वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड नॉलेज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम द लिंक इज टेलीग्रामो लेट स्क्रैक दी सी एस जे विदमी टू गेट डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन प्लान यूज द कोड एल एन के टेन टू गेट द टेन परसेंट डिस्काउंट इन अन अकेडमी यू कैन कम्पीट विद थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड यू विल गेट अ फ्री स्पेशल क्लासेस एवरीडे ऑन द मेजर एक्ट माइनर एक्ट एंड लोकल एक्ट उसी के साथ आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सिस इंडियाज बेस्ट एजुकेटर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट एंड क्विजेस स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ्स भी अवेलेबल होंगे और आपके लिए एक टीम है जो कि एक्सपर्ट गाइडेंस करेगी आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए और आप अगर आर जे एस एंड एच जे एस की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आरंभ करके एक टेस्ट सीरीज़ है जिसमें डेट वाइज और टाइम वाइज आपको हर एक टेस्ट रिवीजन टेस्ट टाइप देना होगा उसी के साथ रैपिड रिविज़न सीरीज़ भी चलेगी जो कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसे स्ट्रेंथन कर सकें और हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है जो कि वीकली हर एक सब्जेक्ट पर चलती है वीक बेसिस पर हर एक सब्जेक्ट पर आपको मिल जाएगी उसी के साथ हमारा जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड यूज़ करिए एल एन के टेन टू गेट द टेन परसेंट ऑफ डिस्काउंट उसी के साथ आप हमें यूट्यूब एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट सी एमसीक्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इसका हम फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं जो कि हमारी चैनल के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं आज हम फर्दर 30 एमसीक्यू हैं उनको डील करेंगे सो नाउ लेट्स बिगिन विथ थर्टी फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज केन नॉट बी ट्रांसफर्ड ऑप्शन ए शेयर इन कॉपी बी इंटरेस्ट इन मॉडगेज प्रॉपर्टी सी राइट ऑफ फ्यूचर मेंस डी इमूवेबल प्रॉपर्टी करेक्ट आंसर इज सी राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस है इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं मुफादर थर्टी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट असेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑप्शन ए कॉम्पिटेंट ट्रांसफर बी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी सी ट्रांसफरी मे नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेक द ट्रांसफर डी ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसफर मस्ट बी लॉफुल करेक्ट आंसर इज सी ट्रांसफर ई में नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेक द ट्रांसफर ये एक कंडीशन नहीं है हमारे वैलिड ट्रांसफर के लिए मुफादर इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अ माइनर ऑप्शन ए कैन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बी कैन नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सी कैन एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर डी बोथ बी एंड सी करेक्ट आंसर इज डी सो अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देख रहे हैं तो वो माइनर से रिलेटेड क्या है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता है लेकिन वो एक्सेप्ट कर सकता है प्रॉपर्टी को अपने फेवर के अंदर मुफादर थर्टी फोर सेक्शन नाइन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड दैट ऑप्शन ए ट्रांसफर कैन ओनली बी डन थ्रू अ ट्रांसफर डीड ऑप्शन बी ट्रांसफर कैन बी ओर और विदाउट राइटिंग ऑल्सो सी ट्रांसफर कैन ओनली बी डन थ्रू अ रजिस्टर्ड डीड डी ट्रांसफर कैन बी डन ओनली बोलता है एंड सेक्शन फोर्टी वन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज टू वॉलेंट्री ट्रांसफर एंड हैज नो एप्लीकेशन टू ऑप्शन है कोट सेल बी कंटिजेंट सेल सी पर फोर्टी so, वन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वो वॉल्टी ट्रांसफर के लिए बोलता है और जो कोर्ट सेल है उस पर अप्लाई नहीं करता है थर्टी सिक्स द मीनिंग ऑफ सेक्शन फिफ्टी वन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द ट्रांसफरी ऑप्शन है इज नॉट एन टाइटल टू वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट्स बी इज एन टाइटल टू वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट्स

बी सो so, अगर कोई भी प्रोसीडिंग या फिर सूट्स है किसके कल से, से रिलेटेड तो जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है थर्टी एट द ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट डिफीट द राइट ऑफ ऑप्शन ए ट्रांसफरी फॉर वैल्यू बी ग्रेटिट्यूज ट्रांसफरी सी ट्रांसफरी फॉर वैल्यू इफ ही हैज नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ हिस्स पार्ट परफॉर्मेंस डी ट्रांसफरी फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्रिवियस कॉन्ट्रेक्ट और ऑफ इट्स पार्ट परफॉर्मेंस करेक्ट आंसर इज डी सो जो डॉक्ट्राइन है पार्ट परफॉर्मेंस का वो डिफीट नहीं करता है कौन सा राइट को जो ट्रांसफरी है उसके राइट को फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस ऑफ प्रिवियस कॉन्ट्रेक्ट और फॉर इट्स पार्ट परफॉर्मेंस फॉर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रेक्ट विच इज नॉट एन असेंशियल इन्ग्रीडियंट ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर इमवेबल प्रॉपर्टी बी कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड साइंड बाय द ट्रांसफरर और ऑन हिज बिहाफ सी ट्रांसफररी इज इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी डी ट्रांसफररी हैज पेड फुल कंसीडरेशन करेक्ट आंसर इज डी सो ट्रांसफररी हैज पेड फुल कंसीडरेशन ये इनक्रीडिएंट नहीं है हमारा पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुफदद 40 Easement is extinguished option A when, only when the, either the dominant or the servient heritage is completely destroyed. B only when the same person becomes entitled to the absolute ownership of the whole of the dominant and servient heritage. C both A and B, D, neither A nor B. Correct answer is C. So Easement है हमारा दो कंडीशन में हो जाएगा पहला या तो डोमिनेंट या सर्वियंटे हेरिटेज इन दोनों में से कोई भी एक डिस्ट्रॉय हो गई हो कंप्लीटली या फिर जो सेम पर्सन है वो एसल्यूट ओनर हो चुका हो जिसका डोमिनेंट या सवियंट हेरिटेज का मुफादर फोर्टी वन इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रोमिस फॉर पार्ट पेड और पार्ट प्रोमिस्ड तो ये क्या किस की डेफिनेशन है ऑप्शन ए मॉडगेज बी सेल सी प्लेज डी एक्सचेंज करेक्ट आंसर इज बी ये सेल की डेफिनेशन है मूव फर्दर फोर्टी टू ट्रांसफर ऑफ टेंजिबल इमोबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू रुपीज हंड्रेड कैन बी मेड ऑप्शन ए ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बी बाय अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट सी बाय डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी डी बाय प्लेसिंग प्रॉपर्टी करेक्टर इज ए सो अगर कोई भी वैल्यू हंड्रेड है थ्रू की जा सकती है सेक्शन फिफ्टी फाइव बी सेक्शन सिक्सटी टू टू सिक्सटी थ्री सी सेक्शन सिक्सटी सेवन टू सेवेंटी सेवन डी सेक्शन सेवेंटी एट टू एटी करेक्ट आंसर इज ए सो जो हमारा फिफ्टी एट है वो हमारे राइट ऑफ सेलर एंड बायर दोनों के बारे में बताता है फोर्टी थ्री विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ द सेलर ऑप्शन ए टू प्रोड्यूस द टाइटल डीट्स बी टू डिस्क्लोज पेटेंट डिफेक्ट सी टू एग्जीक्यूट डी टू पे दउट गोइंग करेक्ट आंसर इज बी सो द सेलर है उसकी ये ड्यूटी नहीं है कि जो भी पेटेंट डिफेक्ट है उसको डिस्क्लोज करें। मूव फॉरदर 45 5 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग हैज बीन प्रोवाइडेड ऑप्शन ए सेक्शन 56 एंड 81 बी सेक्शन 81 सी सेक्शन 81 एंड 82 डी सेक्शन 85 करेक्ट आंसर इज ए सो सेक्शन 56 एंड 81 में जो डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग है वो दी गई है मूव फर्दर 46 सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस ऑप्शन ए मॉडगेज बी मॉडगेजर सी मॉडगेज मनी डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज डी सो जो 58 है वो हमारा मॉडगेज मॉडगेजर मॉडगेज मनी तीनों को डिफाइन करता है मूव

मॉडगेज बाय कंडीशनल सेल बी सिंपल मॉडगेज ओनली सी सिंपल एंड इंग्लिश मॉडगेज डी अनोमोल मॉडगेज करेक्ट आंसर इज सी सिंपल एंड इंग्लिश मॉडगेज हमारा पर्सनल ऑब्लिगेशन टू पे मॉडगेज मनी को एक्रू करता है मूव फर्दर फोर्टी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडगेज डज नॉट रिक्वायर राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑप्शन ए सिंपल मॉडगेज बी इंग्लिश मॉडगेज सी मॉडगेज बाय कंडीशनल सेल डी मॉडगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स करेक्ट आंसर इज डी सो मॉडगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीज वो ये नहीं बोलता कि आपको राइटिंग में एंड रजिस्ट्रेड होना चाहिए मॉडगेज मूव फर्दर फिफ्टी फ्रॉम द फॉलोइंग हु कैन नॉट सू फॉर द रिडम्पशन ऑफ द मॉडगेज प्रॉपर्टी ऑप्शन ए द मॉडगेजी बी द मॉडगेजर C Surety for the payment of the mortgage debt. D. Creditor of the mortgage who has in a suit for the administration of its estate obtained a decree for the sale of the mortgage property. Correct answer is B. So the mortgager has soon kar sakta hai, redemption of mortgage property ke Move further. 51. The mortgagers right to redeem the mortgage money accrues. Option A at the at any time.

by paying the mortgage money to the mortgagee, b only by depositing the mortgage money in the court, c only by regular suit for redemption, d all of these. करेक्ट आंसर इज डी सो जो राइट ऑफ redemption है वो हम तीनों कर सकते हैं जैसे हम मोडगेज मनी है वो मोर्डगेजी को दे दें या फिर जो मोर्डगेज मनी है वो कोर्ट में डिपॉजिट कर दें या फिर हम सूट करें डिडम्पन का मुफादर फिफ्टी थ्री ज बी सिंपल मॉडगेज सी मॉडगेज बाय कंडीशनल सेल डी मॉडगेज करेक्ट आंसर इज सी मॉडगेज बाय कंडीशनल सेल हमारा रेमेडी ऑफ फोर क्लोजर के लिए देता है फिफ्टी फोर्थ विच इज अट द मॉडगेजी एंड नॉट डेट ऑफ द मॉडगेजर ऑप्शन ए राइट टू रिडीम बी राइट टू रिकवर पोजेशन सी राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट डी राइट टू फोर क्लोजर सो करेक्ट आंसर इज डी सो राइट टू फोर क्लोजर है वो मॉडगेजी का तो राइट right है लेकिन मॉडगेजर का नहीं मुफादर फिफ्टी फाइव which one of the following provision of the transfer of property act provides the statutory duties of the mortgagee in possession? option a, section 76 b, section 77. c, section 78. d, section 79. correct answer is a. section 76. move further. 56. the doctrine of subrogation under section 81 enables option a, third party to stand in the shoe of creditor. बी क्रेडिटर टू सुटर सी डेटर टू पोस्टोन दी इंक्लूड ऑल ऑफ दिसक्ट आंसर इज ए सो जो डॉक्टर है अंडर सेक्शन करता है थर्ड पर्सन को कि वो अब क्रेडिटर की जगह हो जाएगा मूफादर फिफ्टी सेवन विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट डिफाइंड चार्ज ऑप्शन ए सेक्शन नाइनटी फाइव बी सेक्शन नाइनटी नाइन सी सेक्शन हंड्रेड डी सेक्शन वन जीरो फोर करेक्ट आंसर इज सी सेक्शन वन हंड्रेड मो फादर फिफ्टी एट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एस चार्ज में बी क्रिएटेड बाय ऑप्शन ए एक्ट ऑफ द पार्टीज बी प्रोसेस ऑफ लॉ सी प्रिशन डी एक्ट ऑफ पार्टीज एंड प्रोसेस ऑफ लॉ करेक्ट आंसर इज डी सो एक्ट ऑफ पार्टीज एंड प्रोसेस ऑफ लॉ से जो चार्ज है वो क्रिएट किया जा सकता है फिफ्टी नाइन अंडर सेक्शन एक्ट ऑन होम पावर ऑफ मेकिंग रूल इज कन्फर्ड ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट बी सेंट्रल गवर्नमेंट सी हाईकोर्ट डी सुप्रीम कोर्ट करेक्ट आंसर इज सी हाई कोर्ट को कन्फर की गई है पावर किसके रिगार्डिंग रूल्स रिगार्डिंग ज बी एक्शन एबल क्लेम सी लीज डी लाइसेंस सो सिक्सटी ये बोल है कि अगर आप कोई भी राइट है ट्रांसफर का इमोबल प्रॉपर्टी का एंजॉय कर रहे हो किसके प्राइस के कंसिडरेशन में तो उसको क्या बोलेंगे करेक्ट आंसर इज सी उसको लीज बोलेंगे आज हमने टोटल थर्टी एम सी क्यू डील किए हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जुडिशरी के लिए एज़ ये जो प्रीवियस जो हमारे प्रिलिम्स हैं उसमें ऑलरेडी आ चुके हैं तो आप ये इनको जरूर प्रिपेयर कीजिए थैंक यू